जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, अच्छा बड़े लोग कह के गए कि लोग अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, अपने दोस्त अपने दुश्मन ये चेंज हो जाते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। ठीक वैसे ही हिंदुस्तान की जो हमारी बॉर्डर है, कहीं बांग्लादेश लगता है, कहीं पाकिस्तान लगता है, कहीं भूटान लगता है, कहीं नेपाल लगता है, श्रीलंका से हमारी थोड़ी सी समुद्री दूरी है, वो भी लगने वाली ही है एक तरीके से मानिए। और एक तरफ हमारे साथ में चीन बैठा हुआ है, चीन, जिसके लिए कई लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान की बात हमेशा होती है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई की दुश्मनी की बात हमेशा होती है, लेकिन ये बात छोटा सा है, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं है, किसी भी तौर पर नहीं है। हमारा जो बड़ा दुश्मन है, जो शत्रु है, जो मानवता के शत्रु के तौर पे भी कई बार कई लोग देखते हैं उसे, दैट इज अ कंट्री चाइना, चीन। और किस तरीके से वो हिंदुस्तान के विरुद्ध इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करता है, हमने पिछले दो तीन कार्यक्रमों में जो बात की है, दैट इज जो आज की हमारी सीरीज चल रही है चाइनाज अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर, जिसमें हम लोगों ने मीडिया वॉर की बात की, उससे पहले हमने बायोलॉजिकल वॉर की बात की। टुडे आज जो हम बात करने वाले हैं आज की इस रात में, आज की इस शाम में, दैट इज चाइनाज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अगेंस्ट इंडिया। I would like to welcome हमारे बीच पधारे हुए हमारे ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जब टॉक में, अभिनंदन। धन्यवाद। I will request to all my listeners, all our viewers, please do subscribe to channel, अगर आपने अब तक नहीं किया है, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यथासंभव यथाशक्ति जिस भी तरीके से आप हमारा समर्थन सहयोग करना चाहें, यू आर ऑलवेज वेलकम। सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान और चाइना की, भारत और चीन की, तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चीन उतना बड़ा हमेशा से नहीं रहा है जितना बड़ा आज वो दिखाई देता है दुनिया के नक्शे पर, मानचित्र पर। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि तिब्बत बहुत बड़ा एंटिटी था अपने आप में, और किस तरीके से चाइना ने उसे लिया, और किस तरीके से 1947 के बाद में भारत ने एक भूमिका निभाई थी तिब्बत को चीन के कब्जे में आसानी से चले जाने में। और वो भारत की भूमिका, शायद मुझे अपने शब्द वापस लेने होंगे, क्योंकि वो भारत की भूमिका नहीं थी, एक व्यक्ति की भूमिका थी, क्या उस जैसे एक मंडली की भूमिका थी, उसमें भारत कहीं नहीं था। अगर भारत होता तो बात कुछ और ही होती, लेकिन भारत 1947 में जिन लोगों के हाथ में आया एक सरकार के तौर पर, वहां पर भारत नहीं दिखता था, भारतीयता नहीं दिखती थी, एक गुलाब का फूल दिखता था लेकिन उसमें खुशबू नहीं हुआ करती थी, महक नहीं हुआ करती थी हिंदुस्तानियत की। सर, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चीन करता है, न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड करता है, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने का उसका तरीका क्या होता है, करता क्यों है, ये कोई बेकार सा सवाल होगा क्योंकि हर कंट्री करती है, लेकिन उसका एक खास मकसद हर देश का अपना होता है। शुरुआत करते हैं आपसे चीन की इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के, और फिर धीरे धीरे करके कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर बाय चाइना ये सीरीज कर रहे हैं, और दो जैसे पहलू हमने पहले ही कवर किए, उसके बारे में आपने बताया है, और आज हम इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि इंटेलिजेंस जो लोग ऑपरेशंस करते हैं, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि शत्रु के बारे में खबर हासिल करना, ताकि वो कुछ करने से पहले ही हम उनके ऊपर मार दें। और जब तक सवाल चाइना का है, उनका तो बड़ा एम क्लियर है कि जो हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है उसे वो रोकना चाहते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, ताकि हम एक कॉम्पिटिटर बनके चाइना के सामने खड़े नहीं हो जाए, ये उनका एक लॉन्ग टर्म एम है। हो सके तो इस देश के टुकड़े करो, हो सके तो उसे जितना तंग कर सकते उतना करो, ये तो उनका बेसिक एम है। जब तक सवाल है इंटेलिजेंस ऑपरेशन का, जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चाइना की इंटेलिजेंस ऑपरेशन और बाकी देशों की इसमें कोई फर्क है क्या? अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में किसी बच्चों को भी पूछो, पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो गुप्तचर संस्था है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो आपको उसके बारे में बता देगा। वो आपको ये भी बताएगा कि हाँ, पाकिस्तान की जो ISI वो क्या कर रही है, वो कश्मीर के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, वो ईशान्य भारत में जो दहशतवादी है उनको मदद कर रही है, वो हमारे जो बड़े शहर है वहाँ पे उनके छुपे सेल है, जो जरूरत पड़ी तो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की वो क्षमता रख सकते हैं, या वो समुद्र की तरफ से दहशतवादी भेज के हमारे पे हमला कर सकते हैं,
जैसे 26/11 भी हुआ था, तो वो क्या करते हैं सबको पता है, लड़ाई के पहले क्या करते हैं, कारगिल में क्या किया, ये सब आपको पता है। ये मतलब चाइना की ISI इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, और अगर आपकी जानकारी अच्छी है तो आप उसके खिलाफ जो काउंटर करना है वो अच्छा कर सकते हैं। हमारे जो युद्ध तज्ञ है चाणक्य, उन्होंने बोला था कि अगर आप खुद को दुश्मन को जानते हैं अच्छी तरह से तो आप 50% लड़ाइयाँ जीत सकते हैं, और अगर आप खुद को जानते हैं तो और 50% यानी कि 100%, यानी कि कोई भी लड़ाई जीतनी है वो शॉर्ट टर्म हो, मिडिल टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, आपको अपनी ताकतें और वीकनेसेस पता होनी चाहिए और दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन का एक तत्व होता है कि भाई दुश्मन के बारे में हमें पूरी चीज़ पता होनी चाहिए। अभी ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है ये अलग अलग समय पे होते हैं, ये अभी देखिए लड़ाई है तो लड़ाई के पहले लड़ाई जीतने के लिए ऑपरेशंस है। अभी की सिचुएशन जो है उसे ग्रे जोन वॉरफेयर बोला जाता है, ना लड़ाई है ना शांतता है, अभी भी उनको इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, तो अभी वो क्या चाहते हैं, तो ये सब इसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं बातचीत करूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि चाइना की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके मैं नाम लेके कि एक का नाम है MSS मिलिट्री सीक्रेट सर्विस, एक अलग अलग नाम है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इसके बारे में जो खबर है ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि वो करते क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, मोडस ऑपरेंडी उनका क्या है, और इनको रोकना है तो हमने क्या करना चाहिए ये जानना जरूरी है। दूसरा ये कि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज और दुनिया की जो और एजेंसीज है, समझ लीजिए कि जो टॉप एजेंसीज है USA के अंदर CIA है, समझ लीजिए ब्रिटिश अपना जो पाकिस्तान की ISI है, ब्रिटिश की S कुछ इस प्रकार का नाम है S4 वगैरह, उसके बाद जब तक सवाल है फ्रांस का उनकी अपनी एजेंसी है, तो इन एजेंसी के तुलना में चाइना अलग कैसे है। आमतौर पे ये जो सभी राष्ट्र जिनके मैंने नाम लिए, खास तो डेमोक्रेटिक राष्ट्र यानी कि USA फ्रांस ब्रिटेन यूरोप वाले देश, इनकी एजेंसी से प्रोफेशनल इन नेचर होती है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारी रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आपको देती है, IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये अंदर जो गड़बड़ चलती है उसके बारे में खबर देती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका आर्मी इंटेलिजेंस है, नेवल इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स का है वो अपने आप में खबर देती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की अलग अलग विंग है, टेक्निकल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे पास NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग है। तो ये क्या करते हैं, ये भी आपको ये खबर आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं जो मेन पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि हमारी एजेंसीज और चाइना की एजेंसीज में फ़र्क क्या है। हमारी एजेंसी ये सब प्रोफेशनल है। चाइना का सबसे बड़ा एक नियम यह है कि हर एक चाइनीज आर्मी, हर एक चाइनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हर एक चाइनीज संस्था, इसे गुप्तहेर का काम करना कंपलसरी है। इसका मतलब यह है कि चाइना के कुछ स्टूडेंट्स हमारे देश में पढ़ते हैं तो वो हमारे देश की खबर निकाल रहे हैं, चाइना के अगर टूरिस्ट हमारे देश में आ रहे हैं जो कि काफी लाखों की संख्या में आते हैं तो वो हमारी खबर ले रहे हैं। चाइना का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैंगलोर में है, मुंबई में है, पूना में उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो वहां पे वो चोरी कर रहे हैं। चाइना का जो डिप्लोमैट्स है वो चोरी कर रहे हैं, खबर निकाल रहे हैं। चाइना का एक चाइनीज स्टडी सेंटर नाम का एक चीज होती है जिसे कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बोला जाता है, उनका नाम है चाइना के कल्चर के बारे में बोलना, ये इंटेलिजेंस निकाल रही है। यानी कि हर एक चाइनीज, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या कहीं पर भी हो, जो चाइनीज है मेनलैंड चाइना से, ये इंटेलिजेंस का काम कर रहा है। अभी देखिए कि चाइना की पॉपुलेशन क्या 130 करोड़ होगी, उसमें से पता नहीं कितने हमारे भारत में कितने, कुछ लाखों में है। तो ये सभी एजेंट्स है कि जो चाइना के लिए खबर निकाल रहे। इतना ही नहीं, तो जिसे हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि अभी आपको देखो कि हमें कैसे गधा बना के रखा था, सॉरी इस प्रकार का मैं अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एक काफी बार इम्पैक्ट के लिए बोलना पड़ता है कि उन्होंने हमारे देश का गधा बना के रखा था कि उनकी हम ऐप्स इस्तेमाल करते थे, ये टिकटॉक है,
जो 260-270 ऐप्स हमने बैन की, ये ऐप्स भी हमारे घर में एक गुप्तहेर है, वो आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर रहे थे कि आप किसको कॉल करते हैं, क्या करते हैं, किस साइट पे गए, कहाँ पे गए। इसके सिवाय चाइना का हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास हार्डवेयर है, किसी का लैपटॉप है, किसी का मोबाइल है। तो अगर आपने 25-30 हज़ार रुपया लेके अगर आपने चाइना का बना हुआ अगर आपने मोबाइल खरीदा हुआ है, तो इतनी बड़ी गलती आपको कोई नहीं, मतलब आपने अपना पैसा खर्चा करके चाइनीज गुप्तहेर को आपके पॉकेट में रखा है। और हमारे देश में कुछ बहुत ही खुद को होशियार समझने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि नहीं 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 जी, बिना चाइना का हम मोबाइल ले ही नहीं सकते। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, लेने के लिए बहुत कुछ है, बिना चाइना का हार्डवेयर बनता है, शायद उसकी कीमत 15-20% ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे देश के कुछ होशियार लोग जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं, वो बोलते कि नहीं, हम चाइना का हार्डवेयर खरीदेंगे, हम चाइना का सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, हम चाइना के ऐप खरीदेंगे, वो चाइना के गुप्तहेर का काम कर रहे हैं। ये इतना ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो करेंगे ये सभी वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और उसको एनालाइज किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और ये जो उनकी टेक्नोलॉजी है, मैं उसको मतलब ज़्यादा बढ़ा के नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ने तो डरने की बात कह रहे बाप रे क्या हो गया, क्योंकि उसके ऊपर जो काउंटर है ये भी हम बोलना चाहेंगे उसके बारे में। तो ये हमें ये जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऐप्स है, हमें हमारे माता पिता से ज़्यादा अच्छा जानते हैं, हमारे वाइफ से अच्छा जानते। बोला जाता है कि दुनिया में आपकी वाइफ आपको सबसे अच्छा जानती है, बिल्कुल गलत जी, चाइना के ऐप आपको आपके वाइफ से ज़्यादा अच्छा जानते हैं। इतना ही नहीं तो हमारे बच्चे हैं, हमारे एक्वेटेंसेस है, हमारे सीनियर्स है, हमारे जूनियर्स है, जिनके साथ आपको आपका कॉन्टैक्ट हुआ होगा कि आपको कोई टीचर है बोला कि हाँ भाई इसको तो ये नहीं आता या उसको ये आता, इसका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे सब लोगों से ये ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा टेक्नोलॉजी के अंदर, इसका हम कभी बाद में बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है वगैरह वगैरह। तो ये उनका जो सर्वेलेंस आपके ऊपर है 365 डेज अ ईयर है, 24 आवर्स अ डे है आपके ऊपर, आपके संस्थाओं के ऊपर, आपके मिलिट्री स्टेशन के ऊपर, मतलब जो भी देश की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपके देश में आज हमारे DRDO की लेबोरेटरीज है जहाँ पे रिसर्च होता है, उनके ऊपर नज़र होती है। हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो रॉकेट लॉन्च करता है उसके ऊपर नज़र है। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसके ऊपर नज़र है। तो ये सब नज़र है और वो इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि जितना हम नहीं देख सकते खुद, उतना उनको जानकारी है। तो ये मैं थोड़ा सा मैंने ये डिटेल में बातचीत करना चाहा कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो इसमें मैं तुरंत एक चीज़ के ऊपर आपको एक काउंटर मेजर तुरंत ही बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इंटरनेशनल सेगमेंट के ऊपर जाते हैं। वो ये कि फिर जो टेक्नोलॉजी से हम कैसे बचेंगे, सिंपल स्ट्रेट बात है, कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होती है। सॉल्यूशन सिंपल यह है कि चाइनीज लैपटॉप इस्तेमाल मत करो, चाइना का जो मोबाइल है वो इस्तेमाल मत करो, कोई भी चाइनीज हार्डवेयर इस्तेमाल मत करो, कोई भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो इस्तेमाल मत करो। इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ क्या हो सकती है। थोड़ा सा आपको और जो चीज़ है वो ले लो मतलब थोड़ी सी महंगी होगी 10-15% से, तो इसलिए आप टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस से काफ़ी देर के लिए बच सकते हैं। अर्थात उनके सैटेलाइट वगैरह वो बाद वाला हिस्सा होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने इतना ही बोलना चाहा कि एक अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है कि चाइना की कैपेबिलिटी क्या है। अगर आपको उनकी कैपेबिलिटी पता है तो काउंटर मेजर्स को ढूंढना आपको आसान हो जाता है। तो अगर आप इसके बाद अगर हम चाहें तो हम इंटेलिजेंस चाइना जो बाकी देशों के साथ कर रहा है इसके बारे में बातचीत करते हैं। डेफिनेटली चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं लगातार, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन साथ साथ में एक और छोटा सा पॉइंट जो 2017 में गेम चेंजर के तरीके से सामने आता है, दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017। ये क्या है और इसके बाद में आप साथ साथ में शामिल करें कि चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस वर्ल्ड जो ओवर है, इसमें कितने चाहे यूरोप की बात हो या यूएसए की बात करो या फिर ताइवान से टेक्नोलॉजिकल हैक्स की बात करो या फिर सोशल मीडिया के बारे में जितना
चाइनीज ऐप जो आपने नाम भी लिए हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं। आपने जो सवाल पूछा, जो चाइनीज का जो मिलिट्री एक्ट है, ये एक्चुअली मैं ये इसके बारे में बात करना भूल गया था। ये एक एक्ट ऐसा है जिसने हर एक चाइनीज नागरिक को कंपलसरी किया है कि वो चाइना के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग करेगा। वो कॉरपोरेट में हो, टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो, उसके लिए ये कंपलसरी है। और खास तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, वो अलग जगह पे घूमते हैं, तो हर एक को डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पर है, उस प्रकार की वो इंटेलिजेंस ढूंढने की कोशिश करता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कॉरपोरेट वर्ल्ड समझ लो हमारे देश के अंदर है, तो वो क्या करेगा, अर्थात वो हमारी वो डिजाइन आपको वो स्टील करने की कोशिश करेगा जहां पर आप वर्ल्ड क्लास है। अभी हमारा देश भारत वर्ल्ड क्लास किसके अंदर है, हमारा देश वर्ल्ड क्लास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। जो हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं वो हमारे बेंगलोर को, पूना को दुनिया का सिलिकॉन वैली के मुताबिक माना जाता है, तो यहाँ पे वो करना चाहेंगे। हम वर्ल्ड क्लास है जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अग्नि है, पृथ्वी है, वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल ही वर्ल्ड क्लास है। तो उनके बारे में इनकी क्षमता क्या है, तब क्या कर सकते हैं, वो ढूंढना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जिस एरिया में वो है, मैं एक चीज आपको स्टूडेंट्स के बारे में बता दूंगा कि स्टूडेंट्स जो है कि समझ लीजिए कि एक किसी यूनिवर्सिटी है, वहां पे चाइनीज स्टूडेंट है, तो वो क्या ढूंढना चाहेगा, वो ढूंढना ये चाहेगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर किस विषय के ऊपर रिसर्च हो रहा है। समझ लीजिए कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जो भी है, वहां पे समझ लीजिए कि 400-500 PhD के पेपर्स अवेलेबल है। ये क्या है, किसी ने डॉक्टरेट करने के लिए एक बहुत मेहनत की है और जो भी विषय उसे दिया होगा उसके ऊपर रिसर्च किया है। अगर इसे आप स्टील करते हैं तो आपने जिस आदमी ने 2-2.5 साल 3 साल 4 साल मेहनत करके जो रिसर्च किया था, आपने बस फोटोकॉपी करके उसको ले लिया है। अर्थात हर एक चीज उनके लिए शायद ये नहीं होगी, लेकिन उसमें से जो चाहे वो ले सकते हैं। तो इसीलिए हर एक क्षेत्र में जहां पर है वो, वहां पे जिनके साथ उनका संबंध है उसकी वो खबर लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपका नेक्स्ट सवाल था कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो क्या करते हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं ज्यादा पहले दो एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा। एक तो वेरी डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि अमेरिका है, यूरोप है, उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छी है, उनका टेक्नोलॉजी अच्छा है, देश के नागरिक बहुत ही देशभक्त है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। उनको इंटरनल प्रॉब्लम्स कोई नहीं है कि इंटरनल अनरेस्ट हो रहा है जिससे कल अमेरिका टूटेगा या फ्रांस टूटेगा, ये प्रॉब्लम उनकी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज या हमारे खुद देश की बात करें। नक्सलवादी देश में कुछ अलग चाहते हैं, ईशान्य भारत में वो बांग्लादेशी अलग होना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, तो ऐसी हालत उसमें नहीं है। तो इन कंट्रीज के अंदर वो जो टेक्नोलॉजी ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर नजर रखते हैं या वहाँ पे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं वो कितने सक्सेसफुल है। मोडस ऑपरेटिव तो मैंने पहले ही बताई है, सब चाइनीज है, जाके आँख कान खुला रखेंगे, ठीक है ना, और सब जो चीजें ढूंढनी जो चोरी करना है वो चोरी करते रहेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी जो उठता है वो चाइनीज वायरस के बारे में बात करना शुरू कर देता है, रोज ही ब्रेकिंग न्यूज आती है कि अभी वायरस नंबर 1 शुरू हो गया, वायरस नंबर 2 है, अभी कोई सार्स वायरस है, कोई ये वायरस है। मैंने पहले भी बोला था कि अभी 15 वायरस पहले ही तैयार है, तो ये जो नाक के ऊपर मास्क लगाना है उन लगाते रहना, 10-12 खरीद के पहले से रख लो, जब थोड़ा सस्ता चल रहा है तब, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो चाइनीज वायरस है इसके अंदर अमेरिका के जो सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट है डॉक्टर फॉसी, मैं नाम लेता हूं डॉक्टर फॉसी, जो जिनको बायोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा तज्ञ माना जाता है, इन्होंने वुहान के अंदर अपने साइंटिस्ट को भेजा या अपने चाइनीज को अपने यहाँ पे आने दिया। इसका कारण आपको पता होना चाहिए, अमेरिका और यूरोप के लोग अभी बहुत लेजी हो गए हैं, वो लेड बैक उनकी लाइफस्टाइल हो गई है, कम से कम काम करना ये हमारे जैसे हिंदुस्तान से वो सीख रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हार्ड काम करना होता है कि रिसर्च करना, ये हार्ड काम होता है। तो जैसे आजकल यूरोप और अमेरिका में कोई भी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें चाइना से ही आती है,
तो यहाँ पे अपने देश में क्यों पैदा करे, क्यों मेहनत करे, सस्ते में चाइना से मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से डॉक्टर फॉसी ने आपके रिसर्च को आउटसोर्स किया चाइना को। अभी देखिए कि चाइना ने यूएसए जो कि एक तंत्रज्ञान की महाशक्ति है वहां पे क्या रिसर्च हुआ है ये चोरी कर ली। यानी कि आपको व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना पड़ता, आपको वायरस को, नए वायरस को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक वायरस मिला है जिसकी ताकत समझ लीजिए 60-70 के तक है, एक ऑन अ स्केल ऑफ 100 उसको 70 से 80 करो, उसे 80 से 90 करो, 90 से 100 करो, यानी कि नया वायरस माइक्रोस्कोप के नीचे बैठ के ढूंढना ये काम नहीं है। अमेरिका ने वायरस पहले से तैयार रखे बने हुए हैं, वो सैंपल ले जाओ। और उसी प्रकार से उन्होंने वायरस की चोरी काफी जगह से की है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा हमारे देश के अंदर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, आपको पता है कि अलग अलग जगह के ऊपर एनिमल वायरस अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। वहां पर भी दो चाइनीज साइंटिस्ट आके पहुंचे थे लेकिन हमारे देश ने उनको ढूंढ लिया और जब पता लगा कि ये वायरोलॉजी के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं उनको वहां से निकाल दिया हमने। तो कोई भी चाइनीज के साथ साइंटिस्ट वगैरह का ये नहीं होना चाहिए। तो उनके साइंटिस्ट को उन्होंने खरीद लिया। उसके सिवाय जो अमेरिका के जो अलग अलग फील्ड में रिसर्च हो रहा है, समझ लीजिए मिसाइल है, ये है, कनाडा के साइंटिस्ट जो कोई बेसिक रिसर्च कर रहे थे उनको खरीद के उन्होंने जो रिसर्च किया वो ले लिया। अब जो समझ लीजिए आज जो चाइना की जो वेपन सिस्टम है खास तो एयरक्राफ्ट, ये पूरे सीक्रेट्स जो मिक्स सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट है सोवियत यूनियन के, उसको उन्होंने उसका डिजाइन स्टील कर लिया, ठीक है, और उसको काटा और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया। यानी कि इतने प्रगत देश उनको समझते समझते इतना समय लगा कि हमारे डिजाइन चोरी कर रहा है, हमारा रिसर्च चोरी कर रहा है, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है। अभी आस्ते आस्ते ये लोगों को, ये जो यूरोपियन देश है उनको जो अलग अलग जो निश सेक्टर्स है वहां से निकाल रहा है। तो उन्होंने इन देशों को उल्लू बनाया और उन देशों के साइंटिस्ट जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट थे जिन्होंने काफी ये किया था उनको उठा के ले गए वहां पे। तो ये इस प्रकार का रिसर्च अगर वो यूरोप और अमेरिका में कर सकते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस अच्छी है तो इसका असर हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये करना चाहिए, हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारे जो साइंटिस्ट है खास तो जो अच्छे साइंटिस्ट है उनके ऊपर नजर होना चाहिए। क्योंकि उस साइंटिस्ट का किसी ने टेलीफोन चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया, ये चुरा लिया तो अलग अलग चीजें हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है समझ लीजिए BARC भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, उसको अलग अलग तरीके से उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए ये बड़ा विषय है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि जो हमारी वर्ल्ड क्लास चीजें हैं उससे प्रोटेक्ट करना है ताकि उन्हें पता ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर मॉडर्न वर्ल्ड उल्लू बन गया तो बाकी लोगों का क्या। मैं अभी दूसरी बात करना चाहता हूं कि कुछ हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ले लेते हैं। अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है तो समझ लीजिए बांग्लादेश है या समझ लीजिए अफ्रीका के कुछ देश है। तो अफ्रीका के देश में इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने का फायदा क्या है, उनके पास ना कोई मिलिट्री ताकत है ना कोई ये है। वहां पे उन्होंने जो मिलिट्री ऑपरेशंस, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए हैं वो पता करने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता कोयला कहाँ मिलता है, दुनिया का सबसे चीप कॉपर कहाँ मिलता है, दुनिया का सबसे चीप थोरियम कहाँ मिलता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मिनरल्स होते हैं वो, उसके लिए उन्होंने आज अफ्रीका के जो पूर्व देश है उनको ऑलमोस्ट खरीद लिया है। मतलब पहले इंफॉर्मेशन निकाली कि भाई केन्या के बदले आप जाओ समझ लीजिए सुदान के अंदर, वहां पे तेल ज्यादा सस्ता मिलता है। अब और उनको उनको पता लगा कि भैया अभी तेल आपने खरीदना है, अगर आप तेल बैरल से खरीदना चाहोगे तो वो जो जो दुनिया का रेट है $60-70 पर बैरल उससे लेना पड़ेगा, लेकिन आपको तो चाहिए $5 पर बैरल के लिए। तो करना क्या कि समझ दीजिए अफ्रीकन देशों में अभी पता लगा है कि एक ऑयल फील्ड है जिसका पोटेंशियल बहुत तगड़ा है जिसे अभी डेवलप करना है, उसे ही चोरी कर लो और उस ऑयल फील्ड के ऊपर बोलो कि हम दोनों मिला के काम करते हैं। और तो जहां पे मार्केट में जाके लोगे तो $70-80 पर बैरल आपको ऑयल मिलेगा,
अगर आपने इस प्रकार का जो रिसर्च उन्होंने किया हुआ है कि भाई ये ऑयल फील्ड पावरफुल है जहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत है, तो इकोनॉमिक जो रिसर्च है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और अफ्रीका के पूरे रॉ मटेरियल इन्होंने चोरी कर लिया है और इसी प्रकार से हर एक देश में सस्ते में क्या मिलता है वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से ईरान से गैस कैसे सस्ते में मिलेगा वो करते हैं, रशिया से रशिया में चोरी की अभी उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए उनका गैस का 40-50 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो इस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके या तो उन्होंने अपना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस खरीद लिया या कमर्शियल इंटेलिजेंस लिया या टेक्नोलॉजिकल चीजें चोरी की या साइंटिस्ट को चोरी किया वगैरह। तो ये एक हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इस प्रकार की चीजों के ऊपर नजर होना चाहिए, यानी कि चाइनीज के साथ किसी भी क्षेत्र में कोऑपरेशन करना ये अपने पाव पे कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक है, क्योंकि वहां पे कोई आपका अच्छा आदमी होगा उसको चोरी करवा लेंगे वो और उसका कुछ आपका ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना ही बोलना काफी होगा कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या होता है, अभी इसके बाद हम हमारे देश की तरफ आ सकते हैं। एग्जैक्टली सर, आपने जो बात कही है हमारे देश की तरफ आने के लिए, तो मैं इसको शुरुआत से इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदुस्तान और चीन एक साथ आजाद करीबन हुए कि 47 में भारत आजाद होता है और चाइना के साथ में भी यही होता है, लेकिन चाइना के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या उसके बाद में से शुरू होते हैं या वो जब भारत ब्रिटिश रूल में था तब भी चाइना का इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भारत में काम कर रहा था और 50s और 60s में इतना काम किया कि 62 की लड़ाई में क्या हुआ, व्हाटएवर इट इज लाइक ब्यूरोक्रेसी की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो, कि उसके कारण से हम हारे या जो भी कुछ हुआ, लेकिन हुआ तो था। अब वो सब चीजें कैसे हुई थी थोड़ा सा उसके बारे में, और जो हैकर्स वर्ल्ड वाइड उनका काम कर रहे हैं इस पॉइंट के बाद में अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में ले पाए। देखिए, जब तक चाइनीज इंटेलिजेंस का सवाल है, हमारा देश 47 में इंडिपेंडेंट हो गया, चाइना 49 में एक नेशन बन गए, ठीक है, और पहला जमाना था हिंदी चीनी भाई भाई का, पंचशील वगैरह की बातचीत होते रहती थी और इसके ऊपर ही सावरकर क्या बोलते थे, इसके बाद मैंने लास्ट टाइम किसी के साथ की थी। तो एनीवे, उस समय उनका जो ध्यान था हमारे देश पे था कि हमारी जो लीडरशिप है उनकी ये क्या है, हमारे देश में ऐसे कौन से लोग हैं कि जो उनके बारे में आएंगे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी कि जो उनके बारे में बात करते थे। वो जब चाइना ने हमला किया तो वो बोलते थे कि ये तो हमारे भाई है, तो इसलिए वो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो देश की थी उन्होंने उसको वेलकम किया। तो ये इस प्रकार की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन चाइना का जो इनिशियल एंट्री उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारे देश में हुई वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुई। 44 में आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर हिंदुस्तान के अंदर भी लड़ा गया है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, खासतौर मणिपुर नागालैंड के, वहाँ पे इम्फाल है, वहाँ पे कोहिमा है, यहाँ पे जापानीज के साथ हमारी वर्ल्ड वॉर की लड़ाइयाँ हुई है। और इसीलिए कि चाइना उस समय यूएसए के साथ था तो इसलिए उनके गुप्तहेर भारत में आके उस समय घुस गए थे, उस पर कोई डाउट नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और चाइना यूएसए के बाजू से निकल के चला गया, मतलब अपने आप में अलग बन गया, तो यही जो एक बेस था इंटेलिजेंस एजेंसीज का जिन्होंने उन्हें मदद की। 50s और 60s में चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये तो अप्रिशिएट पहले की करके रखा था कि ये हमारे कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसे बढ़ाने की कोशिश की। दो तीन एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे कि मणिपुर में जो इंसर्जेंसी थी, जो वहाँ पे ग्रुप थे उसको पीएलए बोला जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है। उसके बाद ये जो नक्सलवादी है सेंट्रल इंडिया के अंदर, उनका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये उन्होंने नाम दिया हुआ है, वो तो कुछ इंडियन नाम भी रख सकते थे लेकिन उनका नाम है CPIM। अच्छा, इसके सिवाय ये जितने अलग अलग ग्रुप्स है, वैसे तो ये सब इथनिक ग्रुप्स है, यानी कि कोई मणिपुरी है, कोई नागा है, कोई मिजो है, कोई ये है, लेकिन उनका संबंध चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था। शायद इन लोगों को समझ भी नहीं आया होगा कि ये कम्युनिस्ट वाले क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, और इनको ट्रेनिंग वगैरह चाइना का जो प्रांत है वहां पे ये दे दिया गया, ठीक है। तो ये तभी उनको ये सपोर्ट कर रहे थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर उन्होंने वो जो ट्रेनिंग वगैरह चाइना के प्रोविंस में होती थी वो ढकेल के उन्होंने म्यांमार में और इसमें शुरू कर दी, बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ 60-65 के अंदर जब पाकिस्तान, ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि पाकिस्तान हमारा
बहुत बड़ा दुश्मन है, लड़ाई होगी 47 की, लड़ाई होगी 65 की, इसके बाद चाइना इंटेलिजेंस और पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है उसमें कोऑपरेशन बहुत बड़ा। इसमें देखने वाली बात क्या है कि चाइना का बाकी कुछ सब चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उनका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें उनका अनुभव इतना अच्छा नहीं था। चाइना और पाकिस्तान का अगर ह्यूमन इंट को आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है खासतौर ISI वगैरह का, वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। दुश्मन को हमने इस प्रकार से प्रेज नहीं करना चाहिए, लेकिन किसको किस प्रकार से तैयार करना ये बहुत अच्छा जानते हैं। रिलीजन है, उग्रवाद है, पैसे है, अलग ड्रग्स है वगैरह वगैरह। तो चाइना ने इनसे काफ़ी कुछ सीखा, और तब ईस्ट पाकिस्तान अलग था, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, तभी ISI और चाइनीज इंटेलिजेंस काफ़ी साथ में काम करती थी। जब ये 71 में जो लड़ाई हो गई उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया, जब ही वहाँ पे खलीदा जिया की सरकार होती थी तो वहाँ पे पाकिस्तान की ISI फिर वहाँ पे स्थित थी और चाइनीज इंटेलिजेंस भी वहाँ पे स्थित थी। जब 5-6 साल के बाद मुजीबुर रहमान मारे गए, उसके बाद आज की जो प्रेसिडेंट हसीना बाजदिया आ गई, तो तब से ये चाइनीज इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की जो कार्रवाई है वो अभी वहाँ पे काफ़ी दबी है, मतलब वो कर भी रहे ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान इसके वगैरह के बारे में। इसके सिवाय जब हमारे जो बाकी के नेबरिंग देश है, एग्जाम्पल है नेपाल, एग्जाम्पल है अपना नीचे श्रीलंका का, नेपाल के अंदर आज चाइनीज इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा है कि वहाँ से चाइनीज काफ़ी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। इसके सिवाय श्रीलंका में भी अगर आप देखेंगे कि अभी आपने खबर सुनी हो कि कोलंबो पोर्ट अभी एक स्वायत्त बन गया है, ऑटोनॉमस भाग हो गया है, तो वहाँ पे भी ये ऑपरेशन इस प्रकार से होगी। अभी बीच में शायद आपने बीच में आज पता नहीं हम इतनी सब चीज़ें कवर कर पाएंगे कि नहीं, दो तीन कुछ दिन पहले ही एक अचानक एक ट्रेंड शुरू हो गया सेव लक्षद्वीप, कि लक्षद्वीप में कुछ कायदे कानून को टाइट किया तो उसके बाद सेव लक्षद्वीप शुरू हो गया। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5-6 महीने के अंदर 5,000 करोड़ रुपीज के, मैं रिपीट करता हूँ, 5,000 करोड़ रुपीज के ड्रग्स कोस्ट गार्ड ने नेवी ने पकड़े हुए कि जो श्रीलंका से निकल रहे थे और वो अपने लक्षद्वीप की तरफ जा रहे थे। शायद लक्षद्वीप से आगे अगर आपको उसकी ज्योग्राफी पता होगी तो वो आगे जो रास्ते जो है सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या जो सी समुद्री जो मार्ग है जहाँ पे बहुत शिपिंग ट्रैफिक चलता है जो गल्फ के लिए जाता है, गल्फ ऑफ होर्मुज के लिए जाता है या ईरान गल्फ की तरफ जाता है, तो वो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड से बिल्कुल पास से जाता है। तो वहाँ पे 5,000 करोड़ के ड्रग्स आपने पिछले 5 महीने में पकड़े हैं, और जितने आप पकड़ते हैं ये माना जाता है कि उससे कहीं ज़्यादा गुना ये निकल जाते हैं, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी कभी भी इतनी हो नहीं सकती है, ठीक है जी। तो काफ़ी कुछ गया है। इतना ही नहीं, इनके साथ वेपन्स थे, AK-47 राइफल पकड़ी गई है, पिस्तौल पकड़े गए हैं, एम्यूनिशन पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो तो छोड़ दो। तो आज जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स है साउथ ईस्ट एशिया के, उनका इस्तेमाल करके चाइनीज क्रिमिनल सिंडिकेट्स है, चाइना फॉर्मली है, लंका के क्रिमिनल सिंडिकेट्स है, वो कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिसे वो अनस्टेबलाइज हमें कर सकते हैं। ये आपने ये जो आइलैंड टेरिटरीज का जो डिफेंस है ये अपने आप में अलग ही विषय हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको छोड़ देता हूँ, लेकिन चाइनीज वहाँ से भी एक्टिव है। अभी आप आ जाइए कि थोड़ा सा लेट इसके अंदर अगर आपने टाइम फ्रेम थोड़ा एकदम क्विकली हम आगे बढ़ाते हैं तो 2001-2002 तक चाइना और हिंदुस्तान का जो ये था क्या बोलते हैं अपना इकोनॉमिक ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट एक लाइन पे चल रहा था। लेकिन उससे आज का हालत क्या है कि पिछले कुछ साल से या आज का हालत यह है कि हमारी इकोनॉमी की साइज तकरीबन 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स इतनी है और चाइना की तकरीबन 15 ट्रिलियन डॉलर्स इतनी है, यानी कि तकरीबन हमारे तो 3.5 से 4 गुना ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और इसमें उन्होंने बिल्कुल सिस्टमैटिकली हमारी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड था उनको उन्होंने मार दिया, हमारे जो स्मॉल स्केल सेक्टर थे उसको मार दिया, हमारे जो मिडिल स्केल सेक्टर थे वो मार गया। अभी ये थोड़ा सा डिटेल में बात करने के लिए तो समय नहीं है। हमारी जो कुछ वर्ल्ड क्लास कंपनीज थी, जैसे कि हमारे एक C.Dot नाम की कंपनी है, वो टेली कम्युनिकेशन के अंदर
बहुत अच्छी थी, हमारा सब उसको मार दिया, या तो हमारे सब मोबाइल सब जो चीज़ें वहाँ से बन के आती थी। हमारी एक BHEL नाम की कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उनका पावर पावर प्रोडक्शन करती है, पावर के जो जनरेटर्स है वो प्रोड्यूस करती है, वो बहुत वर्ल्ड क्लास है, तो इनको मार दिया। तो यानी कि हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके हमारे चीज़ों को सिस्टमैटिकली मार दिया। तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस हो गया, जो चल रहा था इंसर्जेंसी वगैरह वो मिलिट्री इंटेलिजेंस उस तरफ हो गया। 62 की लड़ाई हो गई, वहाँ पे एक चीज़ तो बोलना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जब चाइना ने अक्साई चीन में रोड बनाया, ठीक है, तो ये हमारे इंटेलिजेंस इसको पता भी नहीं लगा। और 62 की जो लड़ाई बातें शुरू हो गई थी, तो उसका शुरुआत आपको पता होगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे एक ID की डिटैचमेंट थी उनके ऊपर हमला करके उनको मारा गया, और उसके बाद वो 62 वॉर की एक शुरुआत थी। तो उन्होंने मिलिट्री फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके करके इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की कि आप अगर आप देखेंगे कि वो हमारे कितना आगे चले गए हैं। तो इसमें समय की कमी के कारण मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अभी आप देखें कि हम सीधा टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि अभी ये जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ शुरू हो गया है, या जब से ये कोरोना वायरस शुरू हो गया है, इसके बाद अभी चाइना किस प्रकार से हमारे साथ डील कर रहा है, और उसके बाद फिर हम उनके ये सभी जो चीज़ें हैं उसे काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस सेगमेंट की तरफ हम आ सकते हैं। ओवर टू यू। आपने जो एक पॉइंट उठाया है यहाँ पर, हम लोग हालांकि चूंकि प्रोग्राम को यहाँ पर पूरा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा कि जब हर देश ये कहता है कि भाई हम इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हैं, आप भी उसका अधिकार रखते हैं, आप भी कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह पर, तो यहाँ पर मैं उसी पॉइंट को लेना चाहूंगा। अगर चाइना इतने तरीके से, बिकॉज लद्दाख स्टैंड ऑफ होता है, वहां पर भी चाइनीज एक्टिविटीज देखी जाती हैं। आपने बताया कि 1950 से ब्रिटिश रूल से लेकर के तब से लेकर के अब तक अलग अलग जगह, इवन इन द यूनिवर्सिटीज, PhDs, स्कॉलर्स, मतलब किस जगह पर, हम लोग नक्सलाइट्स की बात करते रहते हैं हमेशा कि नक्सलाइट्स और अर्बन नक्सल्स की बात करते हैं, बट वी डोंट टॉक अबाउट टू दैट अर्बन नक्सल्स जिनका नाम अर्बन नक्सल नहीं है, लेकिन वो है और वो हर जगह पर है, लेकिन उनका चेहरा अलग है, तो हम उन्हें विदेशी की तरह से देखते हैं। और हमारे यहाँ पर जिस तरह राजस्थान में पावड़ों की बात आती है, तो हिंदी चीनी भाई भाई आज भी, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और सहिष्णु रहता है और लोगों पर विश्वास भी करता है, हमारी इंटेलिजेंसीज क्या वाकई में अभी बहुत कमजोर है, या कम काम कर पा रही है, या उनको पकड़ नहीं पा रही है लेकिन अपना काम कर पा रही है। बस इस एक पॉइंट के साथ आज के इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहेंगे। जी, टाइम सवाल पूछा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इसे कैसे काउंट कर रही है, हम कहीं कम तो नहीं पड़ रहे हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, हमने एज पर एज चाइना इज कंसर्न अभी काफ़ी सारी प्रोग्रेस की हुई है। अगर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करना चाहूँगा, तो आपने ये जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ शुरू हो गया था, एक हश हश फोर्स है या एक सीक्रेट फोर्स है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, मैंने भी नहीं करनी थी, लेकिन ये स्टैंड ऑफ जब शुरू हुआ और जब हमने कैलाश रिजलाइन जो है लद्दाख के अंदर जिसके ऊपर हमने कब्जा किया, तब एक फोर्स का नाम सामने आ गया जिसका नाम है SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और ये एक ऐसा फोर्स है कि अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इसके बारे में जो सब खबर है ये पब्लिक डोमेन में है, और इतना ही नहीं तो एक जो SSF का जो कमांडो जिसका इसमें एक का डेथ हो गया था, उसके लास्ट राइड के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज वहाँ पे पूरी पहुँच गई थी और ये मीडिया में आया हुआ, इसलिए मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि जो कोई गुप्त है। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कौन है ये? तो ये तिब्बत के लोग जो तकरीबन 1959 के अंदर दलाई लामा भाग के भारत में आ गए, तकरीबन 1.5 लाख तिब्बतन उनके साथ आ गए, तो इसमें से जो लड़ाई में जो अच्छे थे, ये सब जो तिब्बतन थे, इनको हमने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अंदर डाला, जिसके कारण हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो बहुत ही अच्छी हो गई। तो इसलिए एक तो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस उस तरीके से काफ़ी अच्छी है। दूसरी मैं चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, इसमें जो हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी है ये काफ़ी अच्छी है। एग्जाम्पल, चाइना ने हमारे ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ।
उन्होंने तकरीबन 3,500-4,000 से ज़्यादा साइबर अटैक जिनका चाइनीज की तरफ से हो गया। लेकिन हमारी एक जो एजेंसी है, दो का मैं नाम लेना चाहूँगा, एक तो है हमारा NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और दूसरी है CERT, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जितने भी चाइनीज के साइबर अटैक हो गए हैं, इसको हमने काफ़ी अच्छा नलीफाई किया है। जब चाइना ने हमारे ग्रिड के ऊपर अटैक किया मुंबई के ऊपर, ये भी हमने काफ़ी पहले डिटेक्ट किया हुआ है। तो हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी ये काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये इस प्रकार का एक क्षेत्र है जहाँ पे आज अच्छी है तो इसका मतलब है कल अच्छी है होगी, ऐसा नहीं। आपको हर दिन अलग अलग प्रोग्रेस करनी पड़ती है। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे तो आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला होगा, और जो एंटीवायरस आज डाला है कल उसका अपडेट आ जाता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका कंप्यूटर बंद पड़ जाएगा, क्योंकि उसने कुछ और वायरसेस ढूंढे हुए हैं जिससे वो अभी कंट्रोल कर पा रहा है। और यही अभी जो वायरस जो हमारा हम वैक्सीनेशन बना रहे हैं, वही हाल है कि अभी ये इतने म्यूटेट तो जो म्यूटेशन हो रहा है उसको ही ठीक कर रहा है, अब उसके बाकी और करना पड़ेगा। तो हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, यानी कि अगर वो हमारी किसी सिस्टम में हैक करने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम आपने हैकर्स ब्रिगेड के तौर पे लिया, तो हमारे पास क्या हैकर्स ब्रिगेड है, क्या हम ये कर सकते हैं? तो देखो, ये जो इस प्रकार के जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि वो कभी आ नहीं सकता। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, अगर आपने ये पता करना होगा, तो पाकिस्तान का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका नाम है डॉन, ये आप नेट के ऊपर पढ़ सकते हो। तो वो हमारे बारे में कुछ करते कि इंडियन एजेंसीज ने ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, तो उससे शायद पता लग जाता है कि शायद हमने इस प्रकार की कोई चीज़ की होगी, सच की यह है कि नहीं, लेकिन एक्यूरेटली कहीं पता नहीं लग सकता। लेकिन जो हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, इसे बहुत और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। इसमें जो हमारे मित्र देश है, इसराइल है, जापान है, जिनकी टेक्नोलॉजिकल पावर अच्छी है, उनकी मदद लेने की ज़रूरत है। अपना इसके अंदर ये भी है, अपने USA है, यूरोप के भी काफ़ी देश, फ्रांस वगैरह आजकल हमारे साइड में आ गए। तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंस बाय इट्सेल्फ कैन नेवर प्रोटेक्ट यू। जैसे दहशतवादी हमला करने के लिए इतने साल हम क्या करते थे, दहशतवादी एक लाइन लगा ली, उनको पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया एक बार दो बार, तो उससे क्या हुआ कि कम से कम भारत के अंदर बाकी जगह पे जो दहशतवादी हमले हो रहे थे वो अभी रुक गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान की क्षमता नहीं है दहशतवादी हमले करने की हमारे देश में, मतलब मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बाकी के भारत के अंदर। लेकिन वो अभी डरते हैं कि अगर आप एक कहीं बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट कर दो वगैरह, तो आपको ऊपर आपको इतनी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कि इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक डिटरेंस हो गया है। तो ये डिटरेंस क्या हमें इस फील्ड के अंदर चाइना के लिए है? तो जो चीज़ें ओपन डोमेन में आती है वो इतना ही बोलती है, वो डिटरेंस शायद अभी आज USA के पास नहीं है। मतलब हमले USA के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा, उनके बारे में बोलना ज़्यादा आसान है, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंसी, वो कैपेबिलिटी यूरोप में कितनी है, यूरोप के ऊपर ज़्यादा हमले हो गए हैं, चाइना के ऊपर कम हो गए हैं, मैं इतना ही आपको बोलना चाहूँगा। तो वो एक कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजिकल, आपको ऑफेंसिव कैपेबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो जिसको बोलेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसमें क्या है कि चाइना में ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी का भी कोई वर्थफाइल नहीं है। जो वर्थफाइल हो सकता है वो ताइवान का हो सकता है, वो हांगकांग से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ताइवान, आपको पता होना चाहिए कि चाइना की जो पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन, उनको हन चाइनीज बोला जाता है, मेनलैंड चाइनीज, हन चाइनीज है, और माइनॉरिटीज है, तिब्बतींस है, शिनजियांग के है, इनर मंगोलिया वगैरह के है, वो 9-10% के आसपास है। तो हन चाइनीज, अगर आपने चाइना के अंदर ह्यूमन इंट डेवलप करना है तो आपको हन चाइनीज ही चाहिए, क्योंकि वो देश के अंदर है, बाकी आप कहाँ से लाएंगे, तो वो कहाँ से मिलेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है
वो हम हांगकांग से कर सकते हैं, कर रहे कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको अजीत डोवल या जो भी उनको पूछना पड़ेगा, या जनरल रावत को या जनरल नरवणे जी को, वो भी नहीं बोलेंगे आपको। लेकिन क्योंकि आज हांगकांग में जो नागरिक है वो हन चाइनीज है और वो चाइना के खिलाफ है, इसलिए वो आपके लिए काम करेंगे। सिमिलरली ताइवान के अंदर जो नागरिक है वो हन चाइनीज है, वो कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो प्रॉपर मेनलैंड चाइना के लोग है, वो जो वहां से भाग के आए थे और वो चाइना के विरुद्ध, इसलिए मदद करेंगे। सिमिलरली जापान साउथ चाइना समुद्र में वो मदद कर सकता है, साउथ ईस्ट एशिया के देश खास तो वियतनाम वगैरह जिनका लड़ने का अनुभव बहुत अच्छा है वो मदद कर सकता है। तो आपको ये जो इंटेलिजेंस की आज हम बात कर रहे हैं, इसलिए इन सब देशों के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को एक बहुत ही ऊपर लेवल के ऊपर जाने की जरूरत है। मेरा समझ यह है कि अभी तक हमारे सब जगह सब लोगों के साथ जब हम संरक्षण करार करते हैं तो सामरिक करार करते हैं तो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी हो जाता है। सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इसे ना ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए कि वो चाइना से कम एक कदम आगे हो। तो इसीलिए कि अभी थोड़ा समय की आपके पास ये होगी, तो अगर आप एक आधा लास्ट सवाल कुछ लेना चाहेंगे तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि अभी चाइना आगे वाले दिनों में और क्या कर सकता है और देश मतलब इसे और किस तरीके से उसको फेस कर सकता है, ये एक एस्पेक्ट हम ले सकते हैं। नितीश जी, ठीक है सर, आपने जो बोला अगर आप उसको पूरा करना चाहेंगे कि आपने कहा कि आगे आने वाले दिनों में चाइना क्या कर सकता है, अगर आप इस पॉइंट को पूरा करना चाहें। बोले मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर हर चाइनीज एक गुप्तहेर है तो क्या हर इंडियन एक गुप्तहेर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। और गुप्तहेर कहाँ, अगर आप स्टूडेंट है तो जहां पे काम चल रहा है वहां पे देखिए, टीचर्स है तो वहां पर है, रिसर्चर्स है तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल है। चाइना ने एक पॉलिसी फॉलो की है गुप्तहेरी को काम करने के लिए, जिसे बोलते हैं बेग बोरो स्टील, कहीं पे बोरो किया है, कहीं पे बेग किया है, कहीं पे स्टील किया हुआ है। तो ये एक्चुअली इथिकल नहीं है, इथिक्स वाइज किसी की चोरी करना ये हमारे इसमें नहीं आता है। लेकिन अगर हम चाइना की चोरी करेंगे चाइना क्या, तो ये उसमें कोई खराबी है क्या? तो मेरे ख्याल से हमने एक चीज करनी चाहिए कि हमारी हैकर्स ब्रिगेड या हमारे जो इनोवेटिव हमारे काफी सारे ब्राइट बच्चे हैं कि जिनका दिमाग बहुत ही तेज है, और जैसे एक बार मैंने पहले शायद आपके शो पे भी बोला था कि आज दुनिया के जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या उसमें 30% साइंटिस्ट इंडियन है, और सिमिलरली सिलिकॉन वैली जो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है वो वहां पे इंडियंस भरे हुए हैं। तो क्या इन इंडियंस को जो एक बहुत ही ऊपर दर्जे पे पहुंचे हैं, क्या हम उनको हमारे देश में वापस ला के टेक ऑफ नहीं कर सकते? अगर आप शुरुआत करेंगे कि भाई हम इन्वेंट करना शुरू करेंगे, पहले एक भीड़ को देखेंगे, भीड़ के बाद एक इंजन देखेंगे, इंजन के बाद फिर ऑटो इंजन, फिर और कोई इंजन, फिर स्पेस में जाएंगे, तो इससे स्पीड नहीं होगी। आपको चाइना की कम से कम अगले कुछ सालों के अंदर आपने चाइना को ओवरटेक करना है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो ब्राइट माइंड्स हमारे बाकी के देशों में काम कर रहे हैं उनको अगर हम वापस लेकर आ जाए, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, NRI जिनको हम बोलते हैं, तो हम हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो गुप्तहेर चीज है वो टेक ऑफ कर जाएगी। एक ही मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप ये आप इसको हम बंद कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक बहुत ही बड़ी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मानी जाती है, इसमें जो बेसिक रिसर्च है ये सब इंडियंस है, आपने नेट पे डाली है, तो क्या ये वहां जिस लेवल पे ये पहुंचा हुआ है क्या हम वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकते? तो मेरे ख्याल से जो ब्राइट इंडियन जो देश के बाहर है उनको देश में लाइए कि आपके देश को आपकी जरूरत है, और जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ा है उससे या उससे ज्यादा स्पीड से हमने आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा लास्ट वाला मैसेज हो गया। नितीश जी, सर हालांकि चूंकि हमारा समय पूरा हो चुका है इसलिए हम दर्शकों के प्रश्न अभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन अभी जो आनंद जी पूछ रहे थे कि सर क्या इंडिया भी ऐसे रिवर्स ऑपरेशन करता है, अगर नहीं तो क्यों, हालांकि इस सवाल का जवाब देवेंद्र साहब दे चुके हैं कि उन्होंने जो कहा है कि भारत ऐसी सब चीजें करता है, हम इतने पीछे नहीं है, एक अलग बात है कि इस समय यूएसए भी चाइना को इतना काउंटर नहीं कर पा रहे, भारत की बात अलग है, लेकिन भारत के हर व्यक्ति को वहां उस लेवल तक जाना पड़ेगा और भारत भक्ति
अपने अपने अंदर दिखानी पड़ेगी, भारत को अपने अंदर लेकर के चलना पड़ेगा। केवल इंटेलिजेंस एजेंसी पर या सरकार पर छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, हर एक व्यक्ति को अपने अंदर का वो गुप्तचर जागृत करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में ब्रिगेडियर साहब आपने जो बातें कही हैं वो बातें अगर सही तरीके से सभी को समझ में आती हैं दैट विल बी वंडरफुल और फैंटास्टिक। चाइना के बारे में हमारी श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और अगली बार फिर आएंगे अलग टॉपिक पर, सेम डे दैट इज वेडनेसडे, सेम टाइम दैट इज रात को 9 बजे और लाइव। दर्शक अपने सवाल भी पूछ सकेंगे, शुरुआत में ही डालिएगा जिससे कि हम उन सवालों को अंतिम समय से पहले कुछ समय पहले ले लें, जिससे कि समय का जो प्रबंधन है वो ठीक किया जा सके। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ब्रिगेडियर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए, ये जानकारियां हम तक पहुँचाने के लिए। जी ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वेडनेसडे। नमस्ते।